मेरे पास है ना सुजलोन के 4000 शेयर है 2900 के भाव में। कितना? 2929 के भाव पे। अच्छा अच्छा ठीक है, 29 रुपए के भाव पे ये भाव हम करेक्ट करेंगे, 29 रुपए के भाव पे। कुछ नजरिया आपका, कब तक रुक सकते हैं सर? मैंने तो मतलब 1-2 साल के लिए लिया है। ठीक है, चलिए 1-2 साल का नजरिया आपके सामने रखते हैं। चलते हैं अपने दूसरे एक्सपर्ट के पास। आशीष जी बताइए क्या करना चाहिए सुजलोन में। 29 रुपये, 29 रुपीज पे इन्होंने एंट्री ली है और फिलहाल 1-2 साल का नजरिया इनके पास है। देखिए पहले तो 29 रुपए पे जो इनकी एंट्री है, बहुत ही बढ़िया एंट्री की है इन्होंने, और यहाँ से एक अच्छा मूव देखा गया है हमने ऊपर की ओर जो 39 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रह सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस लेवल्स पे। और यहाँ पर करीबन मेरे ख्याल से 45-47 का आंकड़ा भी देखा जा सकता है, और इनका नजरिया 1 साल से है, तो बने रहिए, डटे रहिए, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। नीचे में स्टॉप लॉस जो इनका आएगा वो 34 का है, 34 के साथ स्टॉप लॉस के साथ बने रहना की राय होगी। यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह, लंबा नजरिया आपका, तो इसलिए यहाँ पर बने रहेंगे तो बेहतर संकेत आपको मिलेंगे। चलिए अगले दर्शक को जोड़ते हैं, आरके साहू हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। साहू जी नमस्कार, पूछे क्या जाना चाहते हैं? नमस्ते सर, मैं MCX लिमिटेड मेरे पास है सर। मैंने 10 साल पहले लिया था इसको। अरे वाह, 390 रुपए में। वाह, 300 शेयर सर। उसके बाद इसको होल्ड करा है सर, तो अभी क्या है इसको मैं टेस्ट तो कर रहा हूँ इनको प्रॉपरली, कुछ अभी 36 मून का उन्होंने टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करके TCS में लिया, इसके बाद अचानक सर ये बहुत बढ़ गया सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ सर कि कुछ और डेवलपमेंट हुए क्या जो हम लोग नहीं देख पाते, आप लोग ज्यादा उसको स्टडी कर सकते हैं। मैं इसको 5 साल और रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ठीक है, पहले तो आपको बधाई देनी होगी, इतना धैर्य आपने दिखाया है इस स्टॉक में और इतने अच्छे लेवल पे एंट्री की, उसके बाद आपने पूरा धैर्य दिखाते हुए और बाकी चीज़ों का भी, एक जागरूक निवेशक भी आप नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप निगाह बनाए हुए हैं कि आखिर किसी स्टॉक में किस तरह की न्यूज़ आ रही है, किस तरह की कमेंट्रीज आ रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, और ये वाकई आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात जो ईटी नाउ स्वदेश लगातार कहता है, वो आप जैसे जागरूक निवेशक उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस पर एक विस्तृत नज़रिया आपको हम देने की कोशिश करते हैं। निमेश जी, MCX लिमिटेड 390 की खरीद, लंबा समय उन्होंने गुजारा है, आगे भी जो है वो लंबा नज़रिया रखते हैं, बताइए क्या करना चाहिए? जी मेरा आंसर रहेगा डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, अगले 5 साल तक तो मिनिमम आपको होल्ड करना चाहिए। देखिए बिजनेस जो है, अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझे तो एक कमोडिटी एक्सचेंज है, इंडिया का नंबर वन कमोडिटी एक्सचेंज है और ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर, जैसे प्रीसियस मेटल है गोल्ड सिल्वर और अदर मेटल्स के अंदर, उसके अंदर मार्केट शेयर 100% का है, मोनोपोली का बिजनेस है। अगर कोई नया एक्सचेंज अगले 5 सालों में नया एक्सचेंज जाएगा या उसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा ऐसा दिख नहीं रहा है। सेकंड थिंग अभी एक देखें तो काफी टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने जो है अभी मोमेंटम दिया है पिछले 1 या 1.5 महीने से, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक जो है वो काफी अच्छा बेहतर कर सकता है। जैसे आपने बताया कि नए प्लेटफॉर्म में स्विच हुए, नए प्लेटफॉर्म में स्विच हुए वो एक ट्रिगर है, बट अल्टीमेटली कंपनी काफी टाइम से अच्छा कर रही थी और ये मोनोपोली का बिजनेस जो पिछले 15 सालों से जो है कंपनी जो है मार्केट लीडर है, मुझे लग रहा है कि आपको एज ए बिजनेस पर्सपेक्टिव आपको डेफिनेटली ये स्टॉक जो है वो अगले 5 साल तक होल्ड करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि काफी बेहतर रिजल्ट्स आने वाले दिनों में ये कंपनी को देखने को मिल सकता है। तो बने रहें आगे के लिए भी, आपका जो नजरिया जिस तरह का है लंबी अवधि का, उसमें बहुत ही बेहतर जो है वो आपको रिवॉर्ड आगे मिलते रहे।